नमस्कार, आप देख रहे हैं यूएफटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रविवार 6 अगस्त 2023 को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी खजुराहो और डबरा स्टेशनों के पुनर्विकास करने का शिलान्यास वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया। झांसी मंडल आर्य अर्जन नए व्यापार सृजन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और गाड़ियों को गति प्रदान करने में निरंतर नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। ये उत्तर मध्य रेलवे का एक महत्वपूर्ण मंडल है जो देश के उत्तरी भाग को दक्षिणी भाग एवं पूर्वी भाग को पश्चिमी भाग से जोड़कर रेलों के आवागमन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। प्रधानमंत्री ने 6 अगस्त 2023 को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखी। इस अवसर पर वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी स्टेशन पर आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री भानु प्रताप सिंह वर्मा, झांसी ललितपुर सांसद अनुराग शर्मा, कॉरपोरेट निदेशक पावर ग्रिड राम नरेश तिवारी, जिला पंचायत अध्यक्ष पवन गौतम, विधायक झांसी सदर रवि शर्मा, विधायक गरौठा जवाहरलाल राजपूत, स्वतंत्रता सेनानियों के परिजन व अन्य गणमान्य नागरिक सहित झांसी मंडल के मंडल रेल प्रबंधक दीपक कुमार सिन्हा, अपर मंडल रेल प्रबंधक परिचालन आर डी मौर्य, प्रशासन के अधिकारी सहित रेलवे के अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक शशिकांत त्रिपाठी ने किया। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न स्कूल के बच्चों, स्थानीय लोक कलाकारों और स्काउट एवं गाइड्स द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। कार्यक्रम के उपरांत स्कूलों में आयोजित प्रतियोगिताओं के विजेताओं और सांस्कृतिक कार्यक्रम के प्रतिभागियों को मंडल रेल प्रबंधक दीपक कुमार सिन्हा ने पुरस्कृत किया।